नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में, द टीचर हिस्ट्री मेकर हैश टीवीटी में। क्लास 11th का हिंदी सत्यजीत राय, चलचित्र उनके द्वारा लिखी हुई है, उसके भागों को मैं अधूरा छोड़ गया था। पुनः इस लेसन में मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वजया अग्रभूमि कैमरे की तरफ मुड़ कर खड़ी है, उसके पीछे हरिहर एक शॉट लेना है, ओसरे पर बैठा गठरी खोल रहा है। हरिहर, पहले आना संभव होता तो मैं आता नहीं, बाप रे कम चक्कर लगाना पड़ता है, अंत में जब विष्णु पर पहुंचता तो भाग्य ने साथ दिया, इसलिए यह देखकर चरक मेरे मेले लक्ष्मी का पट लाने को कहा था ना। चकला बेलना रख कर हरिहर एक धारीदार साड़ी सर्वजया की ओर बढ़ाती है और देखता है दुर्गा धारीदार साड़ी पहनती। सर्वजया साड़ी को कसकर पकड़ती है, साड़ी के साथ उसके हाथ उठता है, उसके हाथ टिल्स अप करता है। सर्वजया का चेहरा रुलाई के आवेग में विकृत होता है, दांतों से साड़ी को काट कर रोती हुई बैठ जाती है। रोनी की आवाज़ की जगह तार सप्तक करुण संगीत सुनाई देती है। मीडिया क्लोजअप शॉट लेना है, वही कोना जो संख्या 10 में है। सर्वजया रोती हुई बैठ जाती है, हरिहर बेहद व्याकुल सर्वजया की ओर झुकता है और सर्वजया फर्श पर लुढ़क पड़ती है। एक क्लोज शॉट लेना है, फिर सर्वजया रोती हुई फर्श पर लेट जाती है, हरिहर उसके कंधा पकड़कर झकझोरता है। भाव क्या है, क्या हुआ? सर्वजया माथा हिला कर जगाती है, दुर्गा नहीं है। कैमरा ट्रक और कर हरिहर के चेहरे की ओर जाता है, बात हरिहर की समझ में आ गई। वह हस्प्रस्त होकर खड़े होने की कोशिश करता है और उसके बाद धम से बैठ जाता है, रुलाई आवेग से झुकता है। कैमरा ट्रंक बैंक कर पहले स्थान पर लौट आता है। हरिहर चीख उठता है, बेटी दुर्गा, बेटी दुर्गा। हरिहर पैतृक मकान के पीछे तालाब है, अपू तेल से भरी बोतल हाथ में लिए खड़ा है।